आरएसडी एकेडमी में डीएम महोदय के द्वारा छात्रों को वितरण किए गए मोबाइल। मुरादाबाद आरएसडी एकेडमी की ग्रुप समूह में मोबाइल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला अधिकारी मानेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि में बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार गंगवार, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्याम कुमार व आरएसडी के निदेशक डॉ. विनोद कुमार, डॉ. जी कुमार, डॉ. गौरव कुमार व प्रशासनिक अधिकारी डॉ. मयंक शर्मा, प्राचार्य डॉ. बीके पल व प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस को आज के नवयुवक युवाओं को जागरूक करने हेतु जागरूकता महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लाइव प्रशासन दिखाया गया तथा उनकी वार्ताओं को ध्यान पूर्वक सुना गया। तत्पश्चात डीएम महोदय के द्वारा भी एड के छात्रों को मोबाइल वितरण किए गए, जिसका उद्देश्य नवयुवकों को नवीन तकनीकियों से जोड़ने का प्रयास है। डीएम सर ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा व कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर बीके पाल व अभिषेक शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुप्रियो, लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी, नाजमीन खान, शालिनी शर्मा, संदीप शर्मा, अभिलाषा भारद्वाज, डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, कमलाक्षी अरोरा, मुकुल सक्सेना, जमाल अहमद सयम आदि उपस्थित रहे। सभी छात्र, अब वो छात्र के साथ साथ भविष्य के शिक्षक भी हैं, किसी न किसी विद्यालय में वो शिक्षण का कार्य भी कर रहे होंगे। तो अक्षर जी, आकाश जी, प्रशांत जी, कौशल जी, विपिन जी, हंसराज जी, हिना माथुर जी, अतुल कुमार जी, प्रिंस कुमार जी, हरि सक्सेना जी, मदर पाल सैनी जी, तीक्ष्ण कुमार यादव जी और दीपक जोशी जी यहाँ पर अपने मोबाइल लेने के पश्चात भी उपस्थित रहेंगे और अपने प्रचार के संपर्क में रहेंगे। वितरण किया गया है टैबलेट का, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर प्रदेश सरकार ने युवा महोत्सव युवा दिवस के रूप में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ था, जो कि लखनऊ में उनका एक कार्यक्रम था, उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर हुआ है। और उसी के क्रम में यहाँ पर बीएड के सेकेंड ईयर के पास आउट जो है उनको मोबाइल का वितरण किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप इससे? लक्ष्मी का संदेश बड़ा स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी के का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि हम सब लोगों को जागना चाहिए, उठना चाहिए और आगे बढ़कर हमें अपने 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 आप को पहचानना चाहिए और हम एक शक्ति के रूप में है, इसको हमें अपना एहसास करते हुए मान करना चाहिए। आज आरएसडी एकेडमी में मोबाइल का वितरण किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन को वितरित किया है और आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षक के बारे में एक ही कहना था कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो तुरंत बच्चों के स्तर तक आ जाए, बच्चों के कानों से सुन सके, बच्चों की आंखों से देख सके और अपनी आत्मा को बच्चों की आत्मा में हस्तांतरित कर चुके। एक्चुअल में विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला था कि मेरे भाइयों और बहनों, और वो यहीं से विश्वविख्यात हो गए थे। एक बार ऐसा होता है कि वो अपने कमरे में थे तो एक अंग्रेज उनके कमरे में आता है तो उनको गीता धार्मिक ग्रंथ जो है पढ़ने का बहुत शौक था, तो गीता जो किताब थी वो सबसे नीचे रखी हुई थी, उसके ऊपर कुछ अंग्रेजी किताब रखी हुई थी। तो अंग्रेज ने कहा कि भाई विवेकानंद जी, आपकी किताबों का कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी जो गीता ग्रंथ है सबसे नीचे है, हमारी किताब सबसे ऊपर है। तो उन्होंने अपनी गीता ग्रंथ को जैसे ही निकाला सारी किताबें गिर गईं। तो उन्होंने कहा, देखिए हमारा बेस ये है, हमारा बेस के कारण ही तुम्हारा बेस है।
तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी युवाओं से कहूँगा कि वो स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन पर चलें, रास्ते पर। कितने मोबाइलों का वितरण किया गया आज? आज लगभग मैं समझता हूँ कि 80 के आसपास मोबाइल वितरित हुए हैं हमारे यहाँ, स्मार्टफोन जो है अभी।